नमस्ते, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आई एम गोपाली और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ स्पेगेटी रेसिपी। तो मैंने बहुत सारी स्पेगेटी की रेसिपी देखी थी एंड आई जस्ट लव स्पेगेटी। तो जनरली स्पेगेटी में गार्लिक, ऑलिव ऑयल एंड चेरी टोमेटोज होते हैं, बट ये वाली स्पेगेटी थोड़ी सी देसी टाइप की स्पेगेटी है और मैंने लाइक इसको एक बार एक्सपेरिमेंट किया था जो बहुत ज्यादा टेस्टी बनी थी। तो अब हम यही खाते हैं। सो या मैं आप लोगों के साथ मेरी स्पेगेटी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सो चलो लेट्स मेक सम यम्मी यम्मी स्पेगेटी। हमारा ऑयल यहाँ पे हीट हो रहा है और आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो, लाइक अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है तो वो ठीक है, वरना जो भी आप यूज करो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एंड लाइक मेरा तेल अभी ढंग से गर्म नहीं हुआ है, बट अभी हम उसमें इतना सारा गार्लिक डाल देंगे ताकि गार्लिक का अच्छा खासा फ्लेवर ऑयल में एड ऑन हो जाए। मैंने स्पेगेटी पहले से ही बॉईल करके रख ली है। स्पेगेटी आपको कोई भी लोकल मार्केट में, डीमार्ट वगैरह में मिल जाएगी बहुत इजीली। एंड मैंने इसको बॉईल करते वक्त इसमें थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर लिया था ताकि जो नमक है वो उसके अंदर चला जाए। एंड ये हमारा तेल यहाँ पे गर्म हो चुका है। सो नाउ वी नीड टू ऐड सम मोर गार्लिक। ये गार्लिक को मैंने क्रश कर लिया था बिकॉज गार्लिक इज द हीरो ऑफ दिस रेसिपी। तो हमने यहाँ पे गार्लिक डाल दिया। जैसे ही गार्लिक थोड़ा बहुत अपना कलर चेंज कर देता है, हम इसमें अनियंस ऐड करेंगे। आई लव सम स्पाइसी फूड्स, आई एम गोना ऐड सम चिलीज इनटू दिस। नाउ इट्स टाइम टू ऐड सम चिली फ्लेक्स, some mixed herbs, some oregano, salt according to your taste, टोमेटोज ऐड करने के बाद हमें 4 to 5 minutes उसको इस तरीके से कुक होने देना पड़ता है ताकि अनियन, गार्लिक, टोमेटो, चिली फ्लेक्स इन सबके फ्लेवर एक दूसरे में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं एंड ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। गाइस द स्मेल राइट नाउ इन माय होल होम इज सो गुड, लाइक इस स्मेल से इतनी ज़्यादा भूख लगने लग जाती है। अगर लाइक कैमरे के थ्रू मैं आपको इसको स्मेल करवा सकती ना, तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप इस स्पेगेटी को पक्का ट्राई करते। लाइक आई कैन बेट यू इस स्मेल के बाद तो आप पक्का इसको खाते। 4 to 5 minutes कुक होने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा। एंड अब हम इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे, लाइक इतना सा पानी, जस्ट कि ग्रेवी थोड़ी सी, लाइक बहुत थोड़ी सी सूपी हो जाए ताकि उस स्पेगेटी में अच्छे से मिल सके। गैस थोड़ी सी तेज कर देंगे। पानी डालने के 40 सेकेंड्स बाद हम इसमें स्पेगेटी ऐड करेंगे। I'm just mixing the spaghetti into the gravy और वो मैं आपको दिखा नहीं सकती, कुछ दोनों हाथ लगते हैं ये करने में। हम इसको 1 minute में इसी तरीके से थोड़ा स्टेल करते रहेंगे ताकि spaghetti और ग्रेवी दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए। एंड अब हम ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, लाइक बहुत थोड़ा सा ताकि सिर्फ इसका फ्लेवर आ सके। हमने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है एंड नाउ वी विल जस्ट मिक्स इट नाइसली। लेकिन सियर स्पेगेटी इज डन, इसमें सारी ग्रेवी बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है एंड नाउ लेट्स टेस्ट दिस। लेट्स सर्व दिस, आई एम सो हंग्री। ओके, ओके गाइस, सो इट इज टेस्ट टाइम नाउ। दिस इज सो गुड गाइस, दिस इज सो टेस्टी, माय गॉड दिस इज सो यम्मी। मैं ये वाली सारी फिनिश कर लूंगी और जानवी भी ट्यूशन गई है तो वो वहां से आएगी ना
she'll be so happy because she also loves spaghetti. This is so yummy. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, और अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हो तो मुझे उसकी फोटो जरूर भेजना. एंड डू लेट मी नो कि आपको कैसी लगी, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ मुझे और क्या ट्राई करना चाहिए और क्या एक्सपेरिमेंटल कुकिंग करनी चाहिए. सो या आई एम गोना मीट यू इन माय नेक्स्ट मंथ. तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड यू स्टे हैप्पी. बाय, डू सब्सक्राइब एंड शेयर.